तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचकर्मा क्या है। पंचकर्मा एक ऐसा थेरेपी है, एक सरल भाषा में आपको समझाते हैं। जब आप BAMS करोगे तब आप पंचकर्मा के बारे में भी पढ़ेंगे। पंचकर्मा एक ऐसा थेरेपी है जिसमें आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स रहते हैं उन टॉक्सिन्स को शरीर से पंचकर्मा की थेरेपी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, एकदम सरल भाषा। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है बस्ती, इसमें एनीमा दिया जाता है और उस आपके जो इंटेस्टाइन्स में जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं उन सबको बाहर कर दिया जाता है। दूसरा है वमन, तो उसमें क्या है, आपको मेडिकेटेड ऑयल या घी दिया जाता है जिससे आपके ऊपर के मतलब ऊर्ध्व जातृगर्द्र जो रोग रहते हैं ऊपर से आपको घी पिलाया जाएगा और मेडिकेटेड उसमें ड्रग्स रहेंगे वो दे के आपको ऊपर के जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं आपके उन सबको बाहर किया जाता है। बस्ती हो गया, भवन हो गया, विरेचन, मेडिकेटेड ड्रग इसमें दिया जाता है आपको ओरली और आपका मतलब पूरा जो इंटेस्टाइन होता है उसको क्लीन किया जाता है। लूज मोशंस के जैसा आपको होगा और पूरा इंटेस्टाइन को क्लियर किया जाता है, जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं वो पूरा क्लियर हो जाता है। बस्ती, भवन, विरेचन, नस्या। नस्या क्या है? नस्या एक थेरेपी है जिसमें आपको नाक के द्वारा दो दो ड्रॉप मेडिकेटेड ऑयल रहती है उसको डाला जाता है। आपके गले के ऊपर का जितनी भी बीमारियां रहती हैं, एग्जांपल के लिए जैसे आँखों में अगर जलन है, कान से अगर कम सुनाई दे रहा है, बाल अगर झड़ रहे हो, तो ये सब जो प्रॉब्लम रहता है उसके लिए नस्या किया जाता है। रक्त मोक्षण, इसमें क्या है, अगर आपको कोई स्किन डिजीज, सबसे लास्ट जो प्रोसीजर है रक्त मोक्षण है, इसका इस्तेमाल स्किन डिजीज वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें किया जाता है। इसमें आपको लीच थेरेपी, आपको इसमें आपको जोक को आपके स्किन पे लगा दिया जाता है और वो जो इनप्योर जो ब्लड रहता है उसको वो अपने अंदर ले लेता है, मतलब खींच लेता है, जिससे आपके बॉडी में इनप्योर ब्लड जो रहता है वो नहीं रहता है और आपके जो स्किन डिजीज़ है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो पंचकर्मा एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन खा खा के और साइड इफ़ेक्ट से परेशान हो चुके हैं तब आपको पंचकर्मा की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि पंचकर्मा में 5 टाइप की जो प्रोसीजर्स हैं ये थेरेपी बेस्ट है आपके लिए। बैंगलोर जैसे सिटी में, केरला जैसे सिटीज़ में फॉरनर्स आके वहाँ पे पंचकर्मा करवाते हैं और पंचकर्मा ही एकमात्र ऐसा थेरेपी है जिससे आपके बॉडी के हर ऑर्गन के टॉक्सिन्स को क्लियर किया जा सकता है और आपके बॉडी को रिन्यू किया जा सकता है, अपडेट, एक तरीके से आप अंदर से अपडेट हो जाओगे पूरा। तो पंचकर्मा आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप एक BAMS के स्टूडेंट हैं या फिर BAMS में एडमिशन लिए हैं तो आज के इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको जस्ट नॉलेज दिया जाए कि पंचकर्मा क्या होता है। और पंचकर्मा बहुत अच्छा प्रोसीजर है, और अगर आपको जॉइंट से प्रॉब्लम है, अगर आपको सोरियोसिस है, अगर आपको फैटी लीवर डिजीज़ है, अगर आपको कुस्ट है, हेयर फॉल है, तो आप पंचकर्मा करा सकते हैं। अगर आपको लो बैक प्रॉब्लम है, L3, L4, L5 लंबर में, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, तो आप आराम से पंचकर्मा की ओर बढ़िए और पंचकर्मा में आप गारंटी ठीक होंगे। ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिल से धन्यवाद।